मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव अग्रवाल एमडीए से प्रस्तावित करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास कर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से बनने वाली कई सड़कों का शिलान्यास कर नगर विधायक एवं प्रदेश सरकार से स्वतंत्रता प्रभाव मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया, जिसके संकेत की मुख्य सड़क और रामपुरी आनंदपुरी आदि शामिल थी। वहीं बता दें कि सिंचाई विभाग 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी अपने विधानसभा में शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए नए कीर्तिमान गढ़ रही। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भाजपा केंद्र व राज्य सरकार विकास के रास्ते पर चल रही। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मंदिर की स्तर का उद्घाटन किया गया इस वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 3 करोड़ रुपए का विकास कार्यों के लिए त्वरित विकास योजना के अंतर्गत ये राशि हमारे प्रयास पर आवंटित की गई। तो हमारे मंडल अध्यक्षों के प्रयास से, पार्टी के पदाधिकारियों के प्रयास से, जो हमारे नगर पालिका के सभासद हैं, उन सब से प्रस्ताव लेकर के ये लगभग 17 कार्य चारों मंडलों में, यानी पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और लगभग प्रत्येक मंडल में और कुछ वार्डों के अंदर ये काम हो पाए हैं। एक बहुत सार्थक प्रयास ये इसमें रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से ये अधिकांश काम सीसी के हैं, बढ़िया क्वालिटी के सब काम होंगे और जल्दी ये काम इनका शिलान्यास आज हुआ है, ताकि निर्वाचन आयोग की जो आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले पहले ये काम का शुभारंभ इनका हो जाए, ताकि काम के बीच में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। मैं पुनः मुख्यमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ।